हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, ये वही रास्ता है जो भारत चीन की रणभूमि तक जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देखिए, ड्रैगन के दो चेहरे हैं, जैसे हमारा और आपका एक चेहरा होता है, ऐसा नहीं है, उसके दो चेहरे हैं। एक तो वो बातचीत के टेबल पर दिखाता है और दूसरा चेहरा वो है जिससे वो आग उगलता है। भारतीय जवानों के मुंह से मुंह की खाने के बाद अब चीन उकसाने का काम कर रहा है। लेह लद्दाख से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सीमा पर तनाव के माहौल के बीच एक बार फिर से ड्रैगन का दोहरा चेहरा सामने आया है। ड्रैगन के डबल फेस के बारे में बताएं, उससे पहले आपको वहां ले चलते हैं जहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। मैं और ज्ञानेंद्र खड़े हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, जिसे लेह मनाली सड़क भी कहा जाता है। रूबिका, ये वो सड़क है जो सीधा आपको ले जाएगी उन इलाकों में जहां इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, यानी गलवन, पेंगोंग और चुसूल का इलाका जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये वो इलाके हैं जहां चीन पैनी नजर गड़ाए बैठा है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हम इस सड़क का उस पॉइंट तक जहां पर बने हैं इस वक्त तनावपूर्ण हालात। एबीपी न्यूज संवाददाता रूबिका और ज्ञानेंद्र लद्दाख में उस रास्ते की तरफ निकल पड़े जहां तनातनी बरकरार है। चीन को ये भी बड़ा चुभता है, दलाई लामा और जो बुद्धों को हमने यहाँ पर सुरक्षा दी हुई है, जमीनें दी हुई है, हमारा अंग माना है, ये भी कहीं ना कहीं चीन को बहुत चुभता है। और ज्ञानेंद्र, ये देखिए, हाँ, ये जो हम लोग जिक्र कर रहे थे ना रूबिका, कि इस सड़क पर अमूमन आपको सैलानियों की गाड़ी दिखेगी, क्योंकि ये लेह और मनाली की ओर भी जाती है ये सड़क, तो अभी आपको इस सड़क पे देखिए खाली है और जो ट्रक और मालवाहक जो गाड़ियां जा रही हैं वो सेना की गाड़ियां हैं, तो सेना की गाड़ियों का ही मूवमेंट है इस पूरी सड़क पे इन दिनों रूबिका। ये सड़क ही तो है जो सबसे ज्यादा चीन को परेशान कर रही है, क्योंकि चीन ने अपने इलाके में, ये बात हमें माननी होगी, कि जितना डेवलपमेंट चीन ने LAC के आसपास के इलाकों में किया उतना डेवलपमेंट अब तक हिंदुस्तान ने जो है वो नहीं किया हुआ था। लेकिन अब हम देर से जागे जाग चुके हैं, सड़कें अब बनने लगी हैं। ज्ञानेंद्र, आपने तो देखा, आप पहले भी आए हैं। मैं पहले भी आया हूँ रूबिका, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारी चीजें हम जिक्र नहीं करते हैं और नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सड़क है, मैं तो सीधे यही कहूंगा कि चीन की चौहद्दी तक ये सड़क पहुंच चुकी है और अब 62 जैसे हालात नहीं रहे रूबिका। अब हमारे पास बिल्कुल ऐसी सड़क है, चमचमाती हुई सड़क है और हम अंतिम छोर तक ऐसे जा सकते हैं। रणभूमि की तरफ जाती इस सड़क की आगे की कहानी बताने से पहले बात उस आग की करते हैं जिसे चीन भड़काने में लगा है। ड्रैगन एक तरफ टेबल पर बातचीत का दिखावा करता है, दूसरी तरफ सीमा पर टैंक तैनाती से टेंशन को दावत देता है। खुराफाती चीन की तिकड़म का नतीजा है कि सीमा पर तनाव कम नहीं हो रहा। बातचीत के दिखावे के लिए चीन दुनिया को कोई और चेहरा दिखाता है, लेकिन बात सीमा की आती है तो ड्रैगन के मुंह से विवाद भड़काने वाली आग ही
निकल रही है। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती के बाद अब चीन ने भारत को उकसाना भी शुरू कर दिया। तिब्बत में तैनात चीनी सैनिकों को खाना पहुंचाने वाला ये वीडियो देखिए। ड्रोन से चीनी सैनिकों को खाना पहुंचाने की बात समझ आती है। लेकिन इसके सहारे चीन ने हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी परोस दिया। वीडियो के साथ ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक लिख डाला कि भारतीय सैनिकों पर तरस आ रहा है कि उन्हें कैंट यानी कि डिब्बा बंद खाना मिलता है और सर्दियों के मौसम में भी उन्हें ठंडा ही खाना मिलेगा। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने जानकारी जुटाई तो यहां भी चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया। भारतीय सैनिकों को फ्रंट लाइन पर ही गर्म और ताजा खाना मिलता है। हर रेजिमेंट और फील्ड यूनिट में कुक तैनात होते हैं जो जवानों को ताजा खाना मुहैया करते हैं। चीन झूठ बोल रहा है क्योंकि भारतीय सेना की हर रेजिमेंट और फील्ड यूनिट के साथ उनके खुद के कुक और रसोइये होते हैं जो कि युद्ध के मैदान तक भी उनके साथ ही रहते हैं। यही नहीं, भारतीय सेना की हर फील्ड यूनिट और कंपनी तक को भी अपना खुद का ड्राई राशन और खाने पीने का दूसरा सामान मिलता है जिससे ये कुक और रसोइये ही भारतीय सैनिकों के लिए खाना बनाते हैं जिससे न केवल भारतीय सैनिकों को ताजा बल्कि उनकी पसंद का खाना मिलता है। भारतीय जवानों ने चीन की घुसपैठ की साजिश पर जब से घूंसा मारा है तब से ही सैनिकों को उकसाने के लिए वो उल्टे सीधे बयान दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शीजिन ने लिखा, अगर भारतीय सैनिक पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटते तो सर्दियों में चीनी सेना के साथ संघर्ष होगा। भारतीय सेना के पास इतनी सुविधाएं नहीं है, कई जवान सर्दी में मारे जाएंगे और कई कोरोना से। अगर युद्ध होता है तो भारतीय सैनिक ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। कोरोना की वजह से रूस में भी साझा सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से भारत ने मना किया तो चीन इसे बचकाना हरकत बता रहा है। रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच सीमा पर शांति बहाल करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन दूसरी तरफ से चीन जहर भी फैला रहा है। ही बातें हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर चाइनीज बहुत सिंसियर और सीरियस हैं तो उनको वो चीज जमीन पर दिखानी चाहिए। उनको अपने सैनिकों को आदेश देना चाहिए कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि सबसे पहले तो वही आए थे। ट्रांसग्रेशन तो चाइनीज ने किया है, हमने तो किया नहीं है, तो सबसे पहले उनको वापस जाना पड़ेगा। तो जब तक जो वो कह रहे हैं, जब तक वो चीज हमें समय जमीन पर ना दिखे तो वो कहना बेईमानी है। ये बात तो साफ हो गई कि जब सीमा पर जवान चीन की दाल नहीं गलने दे रहे तो वो इस तरह झूठे उकसावे की तरकीबें खोज रहा है। आगे क्या कुछ हुआ वो एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हम ये जानते हैं कि हालात तनावपूर्ण हैं। यहीं से आगे पेंगोंग लेक आता है। अमूमन जब सैलानी घूमने के लिए पेंगोंग इलाके में जाते, एक तिहाई तो हमारा ही है, जो बाकी का हिस्सा है वो चीन का है। उस एक तिहाई इलाके में भी अभी आप नहीं जा सकते हैं। कोई बात नहीं, इस वक्त राष्ट्रहित सबसे ऊपर। क्या नहीं, हम बार बार ये बात कहते हैं रूबिका कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, और उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यकीन मानिए, जिस सड़क से हम लोगों ने ये सफर तय किया है, सुकून तो इस बात का है रूबिका कि अब हम इस सड़क से ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गलवन और पेंगोंग की ओर जा सकते हैं, चुशूल की ओर जा सकते हैं, भले हमें इस सड़क का आनंद और लेने का मौका ना मिले। आनंद भले ही ना लिया हो, लेकिन इस बात का आत्मविश्वास है कि ये सड़क हिंदुस्तान की फतेह की तरफ जाती है। डबल फेस ड्रैगन आपने देखा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत और जापान के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिससे समंदर में ही चीन की जल समाधि तैयार कर दी जाएगी। क्या है वो प्लान, क्या है वो समझौता, पूरी खबर देखिए।
पुराना देश है, लेकिन समुन्द्र किनारे बसा ये देश दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों को और ज्यादा ताकत देता है। टीवी स्क्रीन पर अमेरिका और फ्रांस के ये सैनिक जिस धरती पर युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं वो जिबूती की धरती है। और हम आपको जिबूती की ये तस्वीर और कहानी आज इसलिए बता रहे हैं कि ताकत की जमीन बन चुके इस देश की धरती पर अब हमारी पहुंच और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत और जापान ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है जिसके तहत अब भारत हिंद महासागर में जापान के सैन्य बेस का और जापान भारत के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकेगा और इन्हीं सैन्य ठिकानों में से एक है अफ्रीका का देश जिबूती। अफ्रीका महादेश के सबसे छोटे देशों में से एक, 10 लाख से भी कम की आबादी, वैसे तो कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है लेकिन रणनीतिक रूप से ये देश काफी अहम है। हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस इसी जिबूती में है। यहाँ अमेरिका के 4000 सैनिक, फ्रांस के 1900 और जापान के 600 सैनिक इस बेस पर हैं। जर्मनी और इटली की भी यहाँ मौजूदगी है। साल 2017 में चीन ने भी अपना पहला ओवरसीज सैन्य बेस इसी जिबूती में तैयार किया था। टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो जिबूती में मौजूद चीन के सैनिकों का है। चीनी सेना यहाँ इसी तरह से अभ्यास करती रहती है। समंदर में ची यहाँ से भारत के साथ ही म्यांमार, बांग्लादेश तक अपनी पहुँच बनाने की ताकत रखता है। अमेरिका और फ्रांस से तो हमारा पहले से ही समझौता है, अब जापान से जो कि चीन का पड़ोसी भी है उससे समझौता करके हमने हिंद महासागर में चीन की मजबूत घेराबंदी कर दी है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत और जापान के बीच हुए इस करार का फायदा क्या होगा, इस बारे में आप और ज्यादा विस्तार से जानिए एबीपी न्यूज के रक्षा एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह से। तो हमारे जो नेवल वॉरशिप्स हैं, जब वो ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन में जाएंगे और उनको तेल की आवश्यकता होगी, उनको खाने पीने, अपने सेलर्स के खाने पीने की जरूरत होगी या कोई छोटी मोटी मरम्मत की जरूरत होगी उन जहाजों को, तो उनका वापस हिंदुस्तान में आके रिप्लेनिशमेंट करा के, रिपेयर वर्क करा के और फिर वापस जाना ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये बहुत ही लंबा चक्कर पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमने लॉजिस्टिक करार करे हैं। हमने लॉजिस्टिक करार जापान के साथ अभी किया है, उससे पहले हमने सिंगापुर के साथ किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था और सबसे पहला जो लॉजिस्टिक करार था वो हमारा अमरीकियों के साथ हुआ था। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो हमारे वॉरशिप्स उस इलाके में तैनात हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं या मनूवर कर रहे हैं, उनको वापस हिंदुस्तान के शोर्स पर आने की जरूरत ना पड़े, हार्बर्स पर आने की जरूरत ना पड़े और वो वहीं के वहीं अपना लॉजिस्टिक रिप्लेनिशमेंट करके और अपना जो ऑपरेशनल टास्क है उसको पूरा करें। भारत और जापान के बीच हुए समझौते पर रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने हस्ताक्षर किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया ड्रग्स कनेक्शन में सलाखों के पीछे है और अब पंगा क्वीन कंगना के केस में भी ड्रग्स का एंगल आ गया है। बॉलीवुड में ड्रग्स की कहानी नई नहीं है, कैसा है फिल्मी दुनिया में ड्रग्स का डंक, देखिए ड्रग्स की डर्टी पिक्चर। सोनाली, शी इज इन देयर। सोनाली,
Come out of there. Come out right now. What's the problem, Anisha? 2 hours से पूरा यूनिट वेट कर रहा है. It's a big ad film shoot, for heaven's sake. और तुम ये this awful habit? माया नगरी की चकाचौंध में ड्रग्स की काली दुनिया की कहानी काफी पुरानी. सिनेमा के पर्दे पर सालों से इस काली दुनिया की कहानी दिखाई और बताई जाती. लेकिन सबको जानते हुए भी ड्रग्स के इस दलदल में नामे गिरामी लोग गिरते रहे हैं. 2 अलग अलग ड्रग्स है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए, पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब जांच शुरू हुई तो ड्रग्स का ये नया एपिसोड सामने आया. सच्चाई सामने आनी चाहिए, इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता. सुशांत की प्रेमिका रह चुकी रिया ड्रग्स के केस में सलाखों. ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान ही कंगना के कथित ड्रग्स का राज खुला और अब नए नए राज खुलते जा रहे हैं. खबर है कि मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने वाली है. शोनाली, शी इज इन देयर. Shonali, come out of there. Come out right now. कंगना के ड्रग्स की सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक सच्चाई जो पूरी दुनिया जानती है वो ये कि ड्रग्स की ये डर्टी पिक्चर सिनेमा के पर्दे पर काफी लोकप्रिय रही है. ए उस्मान, 3 घंटा बाकी है, एक बार फिर सोच लो. विजय चव्हाण को कुर्सी चाहिए ने, तो उसको दे दो. लोचा मत करो. इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है कमिश्नर. साला कायर, इतना डरता तो ये धंधे में कह पाया. अगर विजय बापू ने कुर्सी दे देगा ना तो ड्रग्स का धंधा भूलना पड़ेगा और कांचा से आगे बढ़ने का सपना भी. 90 के दशक में आई अग्निपथ फिल्म हो या फिर 2016 में बनी उड़ता पंजाब. पेट्रोल चल सुटिए. ड्रग्स के काले धंधे को लेकर बनी फिल्में सिनेमा के पर्दे पर कामयाबी के झंडे गाड़ती रही हैं. और फिल्में सिर्फ ड्रग्स के धंधे पर ही नहीं बनी. संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार की जिंदगी पर बनी फिल्म में ये बताया गया कि कैसे ड्रग्स की लत ने कामयाबी की राह में कांटे बिछा दिए. मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ. जाबाज, जलवा, गूंज, गुमराह, दम मारो दम, गो गोवा कौन से लेकर दर्जनों ऐसी फिल्में बॉलीवुड में ड्रग्स की डर्टी पिक्चर पर बनाई गई. कहा जाता है कि 90 के दशक की चर्चित हीरोइन ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स के धंधेबाजों के चक्कर में फंसकर अपनी फिल्मी करियर को तबाह कर दिया. भंगड़ा पाले, आजा आजा, बोलो बोलो बोलो, जिंदड़ी है कहाँ, जिंदड़ी वहाँ, तेरा संग है जहाँ, जिंदगी मिली तो इसे मत खोना, जिंदगी जुदा हमसे मत होना. काली दुनिया से वाकिफ होने के बावजूद भी बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन में नाम आना बताता है कि फिल्मी सितारे असल जिंदगी में इसे लेकर अमल नहीं करते. बताया जाता है कि बॉलीवुड की पार्टियों में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है.
कंगना रनौत ठाकरे सरकार से सीधी टक्कर ले रही हैं। कंगना को पता है कि सरकार की कमजोर कड़ियां कौन सी हैं। कंगना वैसी बातों से ही चोट कर रही हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। देखिए रिपोर्ट। मैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते। तो प्रदेश से बाहर है, उसके बाद भी उद्धव सरकार ने बिल्डिंग गिरा दी। और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्यवाही हुई है, ये उनकी गरिमा को गिराया। कंगना बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई लगातार बड़ी और बड़ी होती जा रही है। रणभूमि में एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार है तो दूसरी तरफ रिवॉल्वर रानी कंगना रनौत। अभिनेत्री कंगना रनौत किसी मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उद्धव ठाकरे और सरकार को उन मुद्दों पर घेर रही है जहां दर्द सबसे ज्यादा हो, और बीजेपी का साथ मिलने से कंगना का वार और ज्यादा मारक होता जा रहा है। महाराष्ट्र के इस घमासान में अब अंडरवर्ल्ड डॉन और देश का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी दाखिल हो गया। कंगना के दफ्तर के मलबे से जो गुबार उठा वो महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह छा गया। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी की कार्यवाही पर उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा है, दाऊद का घर नहीं तोड़ा जाता लेकिन कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए, आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। दाऊद के फरार होने के दशकों बाद आज भी मुंबई में कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो दाऊद की ही बताई जाती हैं। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई की पाकमोड़िया स्ट्रीट में हैं। पाकमोड़िया स्ट्रीट में वो जो सामने आप चाल देख रहे हैं, इसी चाल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर है। दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में पले बढ़े, और इसी गली में इस कोने पर ये जो होटल है डेली जायका, पहले ये होटल रौनक अफरोज के नाम से जाना जाता था, और सरकार का कहना है कि ये होटल दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक की है। बीजेपी की तरफ से भेदभाव के आरोपों का बचाव करने सरकार के भीष्म पितामह शरद पवार सामने आ गए। कल तक शरद पवार कार्यवाही से नाराज बताए जा रहे थे, अब वो इसे सही ठहरा रहे हैं। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं, जो कोई क्या रेसिडेंसी या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है। नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर घर गिराने को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उद्धव सरकार का कहना है कि बात दाऊद और कंगना की नहीं कानून की है, घर किसी का भी हो कार्यवाही कानून के हिसाब से ही होगी। अब सवाल यह है कि दाऊद का घर गिराया है, कंगना का नहीं गिराया, कंगना का गिराया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बेकायदा है वो सब गिरने चाहिए,
अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उनके खुल के बोलना चाहिए कि कंगना के घर को प्रोटेक्शन दो कर। बाला साहेब ठाकरे सिर्फ ठाकरे परिवार और शिवसेना के लिए ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए सम्मानीय है। कंगना अब बाला साहेब का इस्तेमाल गठबंधन सरकार के खिलाफ कर रही है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व में से एक हैं। कांग्रेस से गठबंधन कभी उनका सबसे बड़ा डर था। आज उनकी आत्मा अपनी पार्टी की हालत देखकर क्या महसूस करती होगी। कंगना पहले ही अपने दफ्तर के मलबे को साफ नहीं करने और वहीं काम करके मलबे को शिवसेना के अत्याचार की निशानी के तौर पर स्थापित करने का ऐलान कर चुकी है। कंगना के मामले को लेकर कल कंगना से मुलाकात करने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आज राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की और कंगना के लिए मुआवजे की मांग की। महाराष्ट्र सरकार शर्म करो, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय। शिवसेना पूरी कार्यवाही को कानून की चादर में लपेट रही है, लेकिन बीएमसी के एक्शन की वजह से राजनीति का जोरदार रिएक्शन हो रहा है। अब तो कंगना विवाद में दाऊद की भी एंट्री हो चुकी है। आगे और क्या क्या रंग चढ़ेगा ये देखना बाकी है।